किसी भी दिव्यांग के लिए विकलांग प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र होता है। इस प्रमाण पत्र के बिना वह किसी भी योजना या सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता है। किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए विकलांगता का प्रतिशत कम से कम 40% होना चाहिए। यदि इससे कम विकलांगता का प्रमाण पत्र होता है तो उसे किसी भी योजना का लाभ हमें नहीं मिलता है। किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 40% या इससे अधिक विकलांगता हो। विकलांगता प्रमाण पत्र जिला स्तर पर जारी होता है, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO द्वारा जारी किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। विकलांग प्रमाण पत्र कौन कौन बनवा सकता है, इससे क्या क्या लाभ हैं और इसको ऑनलाइन बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है, जानने के लिए देखें इस पूरे वीडियो को। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD एक्ट 2016 में दिव्यांगता के प्रकार की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, किंतु आज भी मुख्य रूप से चलन क्रिया, इसमें जिस व्यक्ति के एक अथवा दोनों हाथ अथवा पैर नहीं होते हैं वो आते हैं। नंबर 2 दृष्टिबाधित, जिन्हें कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता है। नंबर 3 मूक बधिर, जो बोल नहीं पाते हैं। नंबर 4 श्रवण बाधित, जो सुन नहीं पाते हैं। मुख्य रूप से उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों को ही विकलांग प्रमाण पत्र बनवाए जाते हैं, किंतु यदि आप प्रयास करें तो RPWD एक्ट 2016 में जो 21 प्रकार की विकलांगता बताई गई हैं उनका भी आप प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के क्या लाभ हैं? उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा, सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलता है, दिव्यांग पेंशन का लाभ मिलता है, रेल किराए में छूट, वायुयान यात्रा में छूट, किसी प्रकार के आवेदन करते समय आवेदन शुल्क में छूट, शैक्षिक संस्थाओं में छात्रवृत्ति की सुविधा, ग्राम समाज की भूमि आवंटन में सुविधा, जमीन की रजिस्ट्री कराते समय रजिस्ट्री शुल्क में छूट मिलती है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कई लाभकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, इसमें भी विकलांग प्रमाण पत्र का लाभ मिलता है। इसमें है विकलांग पेंशन योजना, शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, दुकान निर्माण योजना, शल्य चिकित्सा योजना, कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना, राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दिव्यांगों से संबंधित किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए विकलांग प्रमाण पत्र का होना परम आवश्यक है। यदि आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र नहीं है तो आप किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किन किन प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो विकलांगता दर्शाती हुई, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और मोबाइल नंबर। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के साथ आप अपने निकट के जनसुविधा केंद्र CSC पर जाएँ और उससे ऑनलाइन विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करा दें। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद वह आपको आवेदन का एक प्रिंट निकाल कर दे देगा। इस प्रिंट को लेकर आपको अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय CMO ऑफिस में मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मेडिकल बोर्ड प्रत्येक सोमवार को बैठता है। आप अपने जनपद का पता कर लें कि मेडिकल बोर्ड किस दिन बैठता है। मेडिकल बोर्ड के पास जब आप जाएँ तो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और जो आवेदन किया था वो साथ में लेकर जाएं। मेडिकल बोर्ड जब आपकी जांच कर लेगा तो वह एक या दो दिन में आपके ऑनलाइन आवेदन पर रिपोर्ट लगा देगा। विकलांग प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त होगा? जो आपका विकलांग प्रमाण पत्र बन गया वो कहाँ से प्राप्त होगा? लगभग एक सप्ताह के बाद जिस जन सुविधा केंद्र या CSC से आपने विकलांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था वहीं से आप प्रिंट करा सकते हैं। विकलांग प्रमाण पत्र का प्रिंट प्राप्त करने के बाद कम से कम उसकी 2 या 3 प्रतियां निकलवाकर उसको लेमिनेट कराकर सुरक्षित रख लें, यह मेरी व्यक्तिगत सलाह है। विकलांग प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है, इसको हमेशा सुरक्षित रखें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेलवे रियायत प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो
तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।